दोस्तों सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबियिल उम्मी व अला आलिही वसल्लम तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं दीन और दुनिया। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे हज़रत इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक दोहरे के साथ मुनाजरा हुआ था। उस मुनाजरे में कैसे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस दोहरे को लाजवाब कर दिया जो कि खुदा की हस्ती का मुनकर था। तो चलिए जानिए इस वीडियो में। हमारे इमाम हज़रत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक दोहरिया खुदा की हस्ती के मुनकर से मुनाजरा मुकर्रर हुआ और मौदूए मुनाजरा यही मसला था कि आलम का कोई खालिक है या नहीं। इस अहम मसला पर मुनाजरा और फिर इतने बड़े इमाम से चुनाचे मैदान मुनाजरा में दोस्त दुश्मन सभी जमा हो गए, मगर हज़रत इमाम आज़म वक्त मुकर्रह से बहुत देर के बाद मजलिस में तशरीफ लाए। दोहरिये ने पूछा कि आपने इतनी देर क्यों लगाई। आपने फरमाया कि अगर मैं इसका जवाब ये दूं कि मैं एक जंगल की तरफ निकल गया था, वहाँ एक अजीब वाकया नज़र आया जिसको देखकर मैं हैरत में आकर वहीं खड़ा हो गया। और वो वाकया ये था कि दरिया के किनारे एक दरख्त था, देखते ही देखते वो दरख्त खुद ब खुद कट कर ज़मीन पर गिर पड़ा, फिर खुद ब खुद उसके तख्ते तैयार हुए, फिर उन तख्तों की खुद ब खुद एक कश्ती तैयार हुई और खुद ब खुद ही दरिया में चली गई, और फिर खुद ब खुद ही वो दरिया से इस तरफ लाने और ले जाने लगी। फिर हर एक सवारी से खुद ही किराया भी वसूल करती थी। तो बताओ तुम मेरी इस बात पर यकीन कर लोगे। दोहरिये ने यह सुनकर एक कहका लगाया और कहा, आप जैसा बुजुर्ग और इमाम ऐसा झूठ बोले तो ताज्जुब है, भला ये काम कहीं खुद ब खुद हो सकते हैं? जब तक कोई करने वाला ना हो किसी तरह नहीं हो सकते। हज़रत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये तो कुछ भी काम नहीं है, तुम्हारे नज़दीक तो इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े आलीशान काम खुद ब खुद बग़ैर किसी करने वाले के तैयार होते हैं। ये ज़मीन, ये आसमान, ये चाँद, ये सूरज, ये सितारे, ये बागात, ये सदा किस्म के रंगीन फूल और शीरी फल, ये पहाड़, ये चौपाहे, ये इंसान और ये सारी खुदाई बग़ैर बनाने वाले के तैयार हो गई है। अगर एक कश्ती का बग़ैर किसी बनाने वाले के खुद ब खुद बन जाना झूठ है, तो सारे जहां का बग़ैर बनाने वाले के बन जाना इससे भी ज़्यादा झूठ है। दोहरिया ये आपकी तकरीर सुनकर दम बखुद हैरत में आ गया और फौरन अपने अकीदा से तायब होकर मुसलमान हो गया, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों इससे सबक ये मिलता है कि इस कायनात का यकीनन एक खालिक है जिसका नाम अल्लाह है, और वजूद बारी का इनकार अकल के भी खिलाफ है। दोस्तों इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको नफ़ा बख्श इल्म अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन या रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी अल उम्मी व अला आलिही वसल्लम तस्लीमा।